Dhyanalinga is not a particular physical form, but it's an energy form which defies time and space. चूंकि ध्यानलिंग कोई भौतिक रूप नहीं है, बल्कि ये एक ऊर्जा रूप है, जो स्थान और समय से परे है, तो अगर कोई इच्छुक है, तो आप कहीं भी हों, ये आपको उपलब्ध है। पर फिर भी आप में से बहुतों को ये बहुत काल्पनिक लग सकता है। तो मैं कहूंगा कि ये अच्छा होगा कि आपने कम से कम एक दर्शन किया हो। अगर आपने ध्यानलिंग को देखा है, अगर आप वहां बैठे हैं, तो वैसे भी ध्यानलिंग के माध्यम से आपके भीतर आध्यात्मिक बीज बोया जा चुका है। और अगर आप अपने लिए बस एक समय फिक्स कर लें, अच्छा होगा कि सुबह या शाम में, और बस शांत होकर बैठ जाएं, तो ध्यानलिंग की ऊर्जा आपको आपके भीतर से जरूर आगोश में ले लेगी। और अगर आपको सपोर्ट के लिए कुछ देखने को चाहिए, तो आप एक फोटो या यंत्र ले सकते हैं जो आपको जरूरी सपोर्ट देगा। पर ये सारे सपोर्ट बस इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से विचलित है, नहीं तो इनमें से किसी की जरूरत नहीं।